लाल परेड ग्राउंड में आयोजित युवा सम्मेलन में सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्राओं को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के मेधावी छात्रों को भी लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि सितंबर में प्रदान की जाएगी। तुम भी चिंता मत करना, इसी साल आज मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन सितंबर के महीने में एक कार्यक्रम और आयोजित करके प्राइवेट स्कूल के बेटा बेटियों ने भी जो 95% मार्क्स आए उनको भी लैपटॉप दिए जाएंगे, उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। सम्मेलन में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए चलाई जा रही प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, दीनदयाल योजना, रानी दुर्गावती, अनुसूचित जाति जनजाति योजना आदि के तहत लाभान्वित हुए लोगों को चेक प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों के लोन की बैंक गारंटी सरकार लेगी। चिंता मत करना, एक नई राह खोल दी है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बनाई है बेटे बेटियों, 1 लाख से लेके 25 लाख तक का लोन अगर तुम्हें चाहिए अपना छोटा उद्योग चलाने के लिए, काम धंधा प्रारंभ करने के लिए, तो लोन बैंक फाइनेंस करेंगे और लोन की गारंटी भी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। चुनावी वर्ष में युवा शक्ति को साधने के रूप में लिए जा रहे सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति का आह्वान करते हुए प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की मांग की। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ सोनू सागर की रिपोर्ट, TMS TV न्यूज़ भोपाल।